नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप, आने वाला वीक सबके लिए कैसा रहेगा, सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने स्टूडियो में रिनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो साप्ताहिक राशिफल। आज है 26th of March ट्यूजडे और ये वीडियो 3 दिन बाद अपलोड होगी 29th of March 2024 फ्राइडे को। अगर किसी के कोई क्वेश्चन रह जाए कमेंट या मैसेज करके पूछ सकता है। 31st मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक की प्रिडिक्शन है और कल हमने बनाई थी हमेशा की तरह एरीज मेष से लेकर वर्गो कन्या तक। आज हम पार्ट टू में बनाएंगे लिब्रा तुला से लेकर पाइसिस मीन तक। और हमारी जो प्रिडिक्शन होती है लगन से होती है। लगन मीन्स फर्स्ट हाउस, ये फर्स्ट हाउस होता है। देखिए आप लगन चार्ट खोलिए, कुंडली खोलिए अपनी, फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर है उसी से हमारी प्रिडिक्शन होती है। अगर 1 नंबर है तो आप एरीज है, अगर 5th है तो लियो है, तो उसी से हमारी प्रिडिक्शन मैच कीजिए। और ये पॉइंट्स हमने कल सब पढ़ दिए थे तो डिस्कस कर लिया था। हम सीधा आते हैं 7 नंबर लिब्रा तुला, शुक्र की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों लिब्रा तुला वही राशि है, वही लगन है दोस्तों कि जिसका कि जो लॉर्ड है दोस्तों शुक्र, वो सप्ताह एग्जॉल्टेड होने वाला है दोस्तों। और कहाँ पे एग्जॉल्टेड होगा, 6th हाउस के अंदर 12 नंबर में दोस्तों। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी राहु भी है और सूर्य भी है दोस्तों, तो ये दोस्तों काइंड ऑफ अ मिक्स काइंड ऑफ जो आप कह सकते हो चेंज होगा ये कि आपका जब सेल्फ लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो रहा है तो जिसको पावर दोस्तों मिलनी चाहिए नहीं मिल पाएगी, बिकॉज वो 6th हाउस में, जो कि गड्ढा कहा जाता है, नेगेटिव हाउस कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहते हैं कि दूध जितना मर्जी दूध हो दोस्तों, पूरा पतीला भरा हो दूध का, उसमें अगर एक बूंद नींबू की गिर जाए दूध पूरा का पूरा फट जाता है दोस्तों। तो एक बूंद नींबू ही दोस्तों काफी होता है उस पूरे दूध को खराब करने के लिए। हालांकि उस दूध का दोस्तों बाद में पनीर बन के फायदा हो जाता है। तो यही दोस्तों यहाँ पे है, नेगेटिविटी तो है बट कुछ ना कुछ दोस्तों इसमें पॉजिटिविटी रहेगी कि शुक्र यहाँ पे एग्जॉल्टेड है और यहाँ पे दोस्तों राहु का भी सपोर्ट होने से जो एग्जॉल्टेशन उसको पावर मिलेगी। और 6th हाउस दोस्तों क्योंकि डेट्स का होता है, नेगेटिव प्लैनेट यहाँ पे डेट्स यानी कि कर्जे बढ़ाएगा दोस्तों, पॉजिटिव प्लैनेट यहाँ पे जो पैसे वाला प्लैनेट होगा दोस्तों कर्जों को कम करेगा, क्योंकि यहाँ पे कर्जे कम होते हैं। और कर्जे कम कैसे होंगे दोस्तों, इनकम बढ़ेगी आपकी दोस्तों, ऑब्वियसली बात है इनकम ही बढ़ेगी तो ही आपके कर्जे कम होंगे। कर्जा लेके दोस्तों एक कर्जा लेके कर्जा भी निपटाना, मतलब एक से आपने कर्जा लिया दूसरा कर्जा निपटाने का, तो कर्जा खत्म नहीं होगा दोस्तों, कर्जा बढ़ता है उसमें, तो आपकी इनकम बढ़ेगी तो ही आपका कर्जा कम होगा और वही दोस्तों प्रॉपर कर्जा कम होना कहा जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे यही होने वाला है। बट दोस्तों अब इसमें एक चीज हमें ध्यान में देकर चलनी है, सपोज अगर ये तुला लगन है और ये 6th हाउस है, सेल्फ का लॉर्ड दोस्तों एक तो छठे घर में आ गया, नीचे गिर गया दोस्तों, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, हालांकि एग्जॉल्टेड है, बट राहु जो कि इन्फेक्शन को डिनोट करता है वो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके स्टमक के लिए इश्यूज क्रिएट करता चल सकता है। तो दोस्तों जिनको यूरिन में इशूज आते हैं, यूरिन के आसपास के एरिया में दोस्तों जिनको कहीं ना कहीं वो इशूज रहते हैं दोस्तों, एलर्जी रहती है, इन्फेक्शन रहता है, फोड़े फुंसी रहती है, इस तरह की चीजें, रेडिशनेस रहती है, बर्निंग सेंसेशन होती है दोस्तों, उनको अपना थोड़ा ध्यान में देकर चलना पड़ेगा। बिकॉज 6th हाउस दोस्तों इन चीजों को डिनोट करते हैं। सूर्य जो कि समय ग्रहण में है तो नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करके चल रहे हैं, तो इसके नेगेटिव एनर्जी शुक्र को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी, इफेक्ट करेगी, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको जो यूरिन वाले एरिया उस पर ध्यान में देना है। और अगर हम लेडीज की बात करके देखें, यूट्रस की जिनको प्रॉब्लम होगी या जिनको सब हार्मोनल इम्बेलेंस पीरियड्स के इश्यूज रहते हैं, उनको भी थोड़ी यहाँ पे दिक्कत झेलनी पड़ेगी, झल्लाहट बढ़ेगी, मूड स्विंग ज्यादा बढ़ेगी यहाँ पे। बट ओवरऑल दोस्तों एक अच्छी बात है इस दौरान कि गुरु बुध जो कि मर्करी दोस्तों वो मूव करके आपके 7th हाउस में आ चुका है और आपके अपने सेल्फ हाउस पे इंपैक्ट डालेगा जुपिटर के साथ, तो ये बहुत बड़ी खबर लेकर आएगा। क्योंकि 9th का लॉर्ड दोस्तों भाग्य बनता है, 9th का लॉर्ड बुध बनता है, उसका दोस्तों सेल्फ हाउस को देखना, भाग्य में वृद्धि, इनकम में वृद्धि, कमीशन में वृद्धि, स्टॉक मार्केट से इनकम वृद्धि, और क्योंकि 7th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो गई यहाँ पे, 7th में लैंड हुआ, तो आपके हस्बैंड आपकी वाइफ आपका भाग्य एक दूसरे का जुड़ेगा, तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। एक यहाँ पे हल्की सी नेगेटिविटी है, यहाँ पे दोस्तों मर्क्यूरी का पॉजिटिविटी भी अपने को मिल जाती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर सूर्य और बुध ये शुक्र का यहाँ पे आना नेगेटिव नहीं करेगा, अपनी हल्का में ध्यान में देना है, तो बुध का यहाँ पे आना उस चीज को कंपनसेट कर देगा। चलिए अब हम आते हैं 7 नंबर लिब्रा तुला का हो गया, तो हम आते हैं 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक, मंगल की दूसरी राशि, तो इनके लिए कैसा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है और आप चाहें तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक। दोस्तों ये हफ्ता आपके लिए धन लाभ का हफ्ता, विपरीत राजयोग का हफ्ता, यानी कि उन जगहों से पैसा आ सकता है जो कि आपने एक्सपेक्टेड नहीं किया था, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका दोस्तों माइनिंग का काम है, मतलब जमीन के नीचे काम है, पेट्रोलियम का काम है, गैस का काम है, माइनिंग का काम है, दोस्तों उनको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। बिकॉज मर्क्यूरी आपके 6th हाउस में लैंड कर गया दोस्तों और आपके चार्ट में 8th का लॉर्ड है, यानी कि 8th इन 6th, 8th हो गया दोस्तों आपका नेगेटिव, 6th जो है नेगेटिव,
जब ये दोनों हाउस आपस में इनकम मतलब कहीं ना कहीं अटैच होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं लिंक होते हैं आपस में, तो आपको विपरीत राजयोग की जागृति मिलती है। और दोस्तों क्योंकि मर्कुरी यहाँ पे 11th गेंस का भी लॉर्ड है, तो गेंस दोस्तों बढ़ेंगे आपके, 8th का भी लॉर्ड है तो माइनिंग से दोस्तों या जो रिसर्च में जो लोग हैं उस उन फील्ड में जहाँ पे दोस्तों रिसर्च की जाती है, PhD कर रहे हैं आप लोग, तो आपको बहुत बड़े यहाँ पे गेंस होने के चांसेस बन जाते हैं, बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा दोस्तों। बट अभी भी 5th हाउस में दोस्तों सूर्य ग्रहण चल रहा है, आपको पेट की समस्या भी है, 10th करोड़ सूर्य दोस्तों अभी भी आपका नेगेटिविटी में है, तो अभी भी लीगल का हमें थोड़ा सा ध्यान में देके चलना है। और रही बात दोस्तों शुक्र की, शुक्र अगर आप नोटिस करेंगे आपके 5th हाउस में ही एग्जॉल्टेड हो जाएगा, जो कि लव लाइफ को डिनोट करता है, शुक्र एग्जॉल्टेड लव लाइफ को बढ़ाता है, राहु उसको भटकाता है, तो लव लाइफ में अपना ध्यान में देके चलना है। मैरिड है आप, अनमैरिड है तो थोड़ा सा अपने आप को ध्यान में देखा जाए, रेपुटेशन में दोस्तों बात आ जाती है, बिकॉज शुक्र का 5th हाउस में एग्जॉल्शन में आना अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स बढ़ जाता है कहीं ना कहीं, और राहु उसको कहीं ना डायरेक्शन लेस करके भटका भी देता है। बट ओवरऑल दोस्तों शुक्र का यहाँ पे आना पैसों के लिए बहुत बड़ी खबर, शेयर मार्केट के लिए बहुत बड़ी खबर, मर्कुरी का यहाँ पे आना विपरीत राज्यों के लिए बहुत बड़ी खबर, मंगल का अभी भी 4th हाउस में जमीन जायदाद के लिए बहुत बड़ी खबर। बस एक ही नेगेटिविटी है कि सूर्य का यहाँ पे अभी भी सूर्य ग्रहण में होना, तो लीगल से हमें अभी भी बचकर चलना है, और किसी लेडी से या किसी फीमेल से आपको प्रॉब्लम ना तो वो भी आप ध्यान में देखे चलिए। चलिए स्कॉर्पियो वृश्चिक हो गया, मतलब इनके लिए इनकम के लिए ठीक है, लेकिन इनको अपने सेंटीमेंट्स पे कंट्रोल रखना, बिल्कुल इमोशंस पे कंट्रोल रखना। चलिए 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक हो गया, अब हम आते हैं 9 नंबर सजिटेरियस धनु, इनके लिए कैसा रहेगा गुरु की पहली राशि। चलिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं 9 नंबर सेजिटेरियस धनु, और वीडियो के अंत तक बने रहिए सभी लग्नों का जानने के लिए। दोस्तों फाइनली एक अच्छी खबर आ गई आपके लिए, मर्कुरी दोस्तों अभी आपके 4th हाउस में फंसा हुआ था बहुत बुरी तरीके से, सूर्य ग्रहण के अंदर फंसा हुआ था, राहु के साथ फंसा हुआ था, और आपके चार्ट में आपको मालूम मर्कुरी आपके 7th आपके पार्टनर का, 10th आपके प्रोफेशन को डिनोट करता है, करियर को डिनोट करता है, दोस्तों करियर पे ग्रहण लगा हुआ था। दोस्तों आप मर्कुरी मूव करके आ गया 5th हाउस के अंदर बहुत स्ट्रेंथ के साथ, गुरु के साथ आ गया दोस्तों, जो कि आपका सेल्फ का लॉर्ड है, यानी कि सेल्फ प्लस करियर, यानी कि सेल्फ को करियर के सपोर्ट मिलेगी, यहाँ पे करियर बढ़ता है दोस्तों, स्टैग्नेशन खत्म होती है दोस्तों, बहुत बड़ी तेजी के साथ मूव करता है, तो मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। जो लोग ट्रैवलिंग में है, जो लोग स्पीकिंग में है, लॉयर है दोस्तों, टीचिंग लाइन के अंदर, बिकॉज दोस्तों गुरु इन चीजों को डिनोट करता है, दोस्तों गुरु बैंकिंग में जो लोग हैं, फाइनेंस में जो लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट करता है, बुध भी इन्हीं कामों को डिनोट करता है। तो जो दोस्तों अकाउंटेंट है या किसी का फाइल्स वगैरह मतलब देखते हैं, घर बैठ कर देखते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ऑफिस में जाके अकाउंटेंसी करते हैं, किसी की एक्सेल शीट हैंडल करते हैं, डेटा एनालिस्ट है दोस्तों, ये काम आपके लिए बहुत बढ़िया। और दोस्तों क्योंकि 5th हाउस हो गया आपका स्टॉक मार्केट का, गुरु का यहाँ पे आना दोस्तों स्टॉक मार्केट मतलब बुध और गुरु का यहाँ पे इकट्ठा होना स्टॉक मार्केट दोस्तों बेनिफिट दिलवाते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिलवाते हैं। तो अब तक अगर आपका नुकसान चल रहा था, आपके शेयर्स नीचे जा रहे थे, आप टेंशन में थे, तो यहाँ पर मुझे लगता है उसको शेयर्स नीचे जाना बंद करेंगे, आपके स्टेबल होंगे, फिर उसके बाद ग्राफ आपको ऊपर जाएगा। तो कुल मिला के एक अच्छा चेंज, और क्योंकि 5th का बोध आपके 11th गेंस को डिनोट करेगा दोस्तों, तो जिनके रेंटल इनकम से, जिनके कमीशन इनकम आती है, जो दोस्तों जिनको मान लीजिए पेंशन आती है महीने के महीने, उस पर दोस्तों उनका जीवन चल रहा था, उनको यहाँ पे बेनिफिट होगा, टेंशन रुकी हुई थी या पेमेंट नहीं आती, तो वहां पे स्टार्टिंग हो जाएगी। तो कुल मिला के दोस्तों धनु वाले के लिए कुछ बेटर टाइम स्टार्ट हुआ, पूरा बेटर टाइम नहीं कहूँगा लेकिन दोस्तों कुछ बेटर टाइम स्टार्ट हुआ। अभी भी दोस्तों 4th हाउस के अंदर सूर्य ग्रहण आपका परेशान करके चल रहा है आपको, उसके अंदर इमोशनली आप बहुत लेट डाउन हो, उखड़ा उखड़ा आपका स्वभाव है, चिड़चिड़ा आपका स्वभाव है, तो वो अभी आपके साथ रहने, उदासी आपके साथ रहने वाली, बिकॉज 4th हाउस इमोशन का, तो वहाँ पे ग्रहण दोस्तों 4th हाउस घर का भी होता है, अपने घर का, प्रिमाइसेस का, फैमिली का, तो वहाँ पे कोल्ड वर्क काइंड ऑफ होते हैं, चिड़चिड़ापन, दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं होता, तो ये अभी रहने वाले। बट हाँ बुध का दोस्तों यहाँ पे आ जाना, ये चीजों को थोड़ा सा बेटर करेंगे। चलिए 9 नंबर सजिटेरियस धनु का हो गया, इनके लिए कैसा रहेगा। अब हम आते हैं 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर, शनि की पहली राशि, तो इनके लिए कैसा रहेगा। काफी बेटर है दोस्तों कैप्रिकॉन के लिए, बहुत अच्छी खबर हो जाएगी, बिकॉज दोस्तों दो चीजें, कैप्रिकॉन में दोस्तों शुक्र बहुत पॉजिटिव कार्ड बनता है, केंद्र त्रिकोण का 10th और 5th का लॉर्ड बनता है, और दोस्तों बुध में यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके 9th का भी लॉर्ड बनता है बुध, तो और दोस्तों यही बुध जब तक ग्रहण में था आपके 3rd हाउस के अंदर, दोस्तों 4th हाउस में आ गया अकेला, दोस्तों 9th इन 4th, ये मान के चले इससे बड़ा राजयोग नहीं मिलता, इससे बड़ा धनयोग नहीं होता, तो 9th हो गया भाग्य किस्मत ब्लेसिंग, 4th प्रॉपर्टी गाड़ी, तो गाड़ी बनने के योग, जमीन लेने के योग, पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलने के योग, फैमिली डिस्प्यूट सॉल्व होने के योग, फैमिली दोस्तों को दिक्कत चल रही थी चाचा जी के साथ, ताई जी के साथ, कोई फैमिली डिस्प्यूट को लेकर या आपके लैंड को लेकर, आपकी खेती बाड़ी को लेकर, जो आपके कोई लैंड हो फार्म हाउस आपको, तो उन सब में दोस्तों आराम मिलता है। लग्जरी गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं, दिस इज द टाइम टू बाय द लग्जरी कार, तो दोस्तों बुध का यहाँ पे आ जाना बहुत बड़ी खबर। और दोस्तों ये बुध जब आपका 10th हाउस पर देखेगा, प्रोफेशन वाले हाउस का, यानी कि भाग्य का और करियर का भी जॉब,
तो अगर दोस्तों बैठे बैठे आपको प्रमोशन मिल जाए, बैठे बैठे आपके जॉब आपके पल्ले पड़ जाए, आप घर पे बैठे कोई एक अच्छी ऑफर आपके पास, आप जॉब ढूंढ रहे थे एक अच्छी ऑफर आपके पास आ जाए, तो करियर में दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ हो जाती है। बुध का चेंज दोस्तों बहुत बड़ा, और एड टू दैट जो थर्ड हाउस में शुक्र का एग्जॉल्टेड हो जाना, भाग्य स्थान को देखना, दोस्तों पहले बुध से भाग्य को बढ़त मिली फिर शुक्र से भाग्य को सपोर्ट मिल गया, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये चीज बहुत अच्छी होने वाली है। ये हफ्ता दोस्तों बहुत प्रॉमिसिंग हफ्ता रहने वाले, नई अपॉर्चुनिटीज, नई ग्रोथ, नई चीजें आपके पल्ले बढ़ेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि दोस्तों जब जब शुक्र नाइन्थ हाउस को देखेगा दोस्तों, जब एग्जॉल्टेड पोजिशन के अंदर, तो पिता का भी साथ, बुजुर्गों का साथ, दोस्तों ऊपर वाले का आशीर्वाद, आपके गुरु का आशीर्वाद, सब कुछ मिलता है। थोड़ा धर्म पे दोस्तों खर्च करें, फिर मंदिर बनता हो दोस्तों, गुरुद्वारा बनता हो, वहां पे जाके कुछ अगर आपने बन रहा ईंटे का दान करें, कुछ करें, मतलब अपना कुछ ना कुछ दोस्तों योगदान दें, सपोर्ट करें, तो ये हफ्ता आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बस दोस्तों थर्ड हाउस में सूर्य ग्रह है, जो कि इतना नेगेटिव नहीं होता, बिकॉज नेगेटिव हाउस में नेगेटिव चीज पॉजिटिव बन के निकलती है। चलिए 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर का भी हो गया, हम आते हैं 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ शनि की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट समर्थ सिटी से, और हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो कमेंट और शेयर करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और आप चाहे तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए, कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं हम 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ, तो इनके लिए भी बहुत अच्छी खबर रहने वाली है दोस्तों, ये हफ्ता बहुत प्रॉमिसिंग हफ्ता। तो उसका रीजन क्या है कि बुध आपका आ गया थर्ड हाउस के अंदर दोस्तों, जो ग्रहण में था सेकंड हाउस में, वाणी में दिक्कत चल रही थी, आप जो बोलना चाह रहे थे नहीं बोल पा रहे थे, या आपके बोल दोस्तों मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही थी, आपके बोलने से दोस्तों झगड़े बढ़ रहे थे, मुंह से ऐसी बातें निकल रही जो आप नहीं बोलना चाह रहे थे, अनइंटेंशनली आपके मुंह से निकल रही थी। अब बुध आ गए यहाँ पे आपका थर्ड हाउस के अंदर दोस्तों, और वो भी दोस्तों किसके साथ, गुरु के साथ। कौन सा गुरु दोस्तों, जो कि इनकम का लॉर्ड और वेल्थ का लॉर्ड है, यानी कि थर्ड हाउस में दोस्तों जो कि नेटवर्किंग को डिनोट करता है, आपके सेल्फ के पावर को डिनोट करता है, कम्युनिकेशन पावर को डिनोट करता है, और वो साथ में बुध जो कि इनकम का लॉर्ड है, यानी कि कम्युनिकेशन प्लस इनकम जब जुड़ेगी तो वो सभी लोग जो बोलने वाले काम से पैसा कमाते हैं, आरजेज हैं दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, हमारी जैसे फील्ड के अंदर है दोस्तों, न्यूज एंकर हैं बेसिकली, तो यहाँ पे आपको बोलने का है, रिपोर्टर है अगर आप, तो आपको यहाँ पे दोस्तों बेनिफिट। तो थर्ड हाउस हो गया आपकी ट्रैवलिंग का, यानी कि उस ट्रैवलिंग के साथ दो लोग जुड़े हुए हैं जिनका बिजनेस ट्रैवलिंग का, टिकटिंग का बिजनेस है, कमीशन का बिजनेस है, नेटवर्किंग का बिजनेस है, कॉल सेंटर है जिनका, जिनका एमएलएम का काम है, उनको यहाँ पे बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा चेंज, बस हमें अभी भी बस इतना ध्यान रखना कि सेकंड हाउस में अभी भी आपका सूर्य ग्रहण चल रहा है, तो सूर्य के यहाँ पे सेवंथ मैरिज का लॉर्ड, सेकंड हाउस दोस्तों अपने सेवंथ हाउस आपके ग्रहण में तो नेगेटिविटी क्रिएट, तो मैरिज को थोड़ा अभी बचा कर चलना है, मैरिज में इशू ना क्रिएट हो। और दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक बात कही थी कि यहाँ पे ग्रहण होने के कारण अगर जो लोग स्मोकिंग के अंदर हुक्का में है, बीड़ी पीते हैं या टोबैको में ज्यादा है, उनका भी बचकर चलना है यहाँ पे, क्योंकि सूर्य आग होता है, और क्या बोलते हैं तो ग्रहण वाला सूर्य नेगेटिव आग होता है, तो जैसे आप स्मोकिंग में जाएंगे इसमें धुएं वाला काम होगा तो आपके नेगेटिविटी बढ़ेगी, कहने के मुंह में छाले, कई बार दोस्तों कैंसर ऐसी चीजें भी सामने आ जाती है, स्पेशली तब अगर आपकी अपनी कुंडली में सेकंड हाउस बहुत ज्यादा वीक है, थोड़ा बच के चले, खाने पीने में परहेज करें, बाकी यहाँ पे कॉन्फिडेंस के अंदर बढ़ोतरी, मेमोरी के अंदर बढ़ोतरी, इनको दोस्तों कानों की दिक्कत थी, सुनने में दिक्कत थी, हियरिंग एड लगाते हैं, मशीन लगाते हैं दोस्तों, उसमें यहाँ पे आराम मिलेगा, मे भी दोस्तों उनका फर्क। सेकंडली लास्टली मतलब बेसिकली जिनको तो दांतों की दिक्कत थी, दांतों बेसिक लगे होते हैं, दांतों में उबड़ खाबड़ था, पानी लगता था, कोई सेंसेशन बहुत ज्यादा होता था दांतों के अंदर, उनको भी यहाँ पे रिलीफ मिलेगा, या डॉक्टर ऐसा कोई ट्रीटमेंट कर देगा आपका जो परमानेंटली आपको आराम मिल जाएगा यहाँ। तो ओवरऑल दोस्तों अच्छा खबर, अच्छी खबर रहने वाली दोस्तों, और शुक्र का दोस्तों सेकंड हाउस में आ जाना, जो कि आपके कुंडली में दोस्तों नाइन्थ और फोर्थ का लॉर्ड बनते हैं, उसका वेल्थ हाउस में आ जाना, तो फोर्थ मदर नाइन्थ फादर, तो पापा और मम्मी की वेल्थ भी यहाँ पे बढ़ती नजर आती है, आपके नाम पे वो सेविंग्स कर सकते हैं, आपके नाम पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो भी हमें अच्छी खबर यहाँ पे मिलती नजर आती है। चलिए अब आते हैं हम 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ का भी हो गया, शनि की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा। अब हम आते हैं 12 नंबर पाइसिस मीन गुरु की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक दोस्तों। अब इनके लिए एक अच्छी खबर क्या है दोस्तों कि इनके सेल्फ हाउस में ही मर्क्यूरी जो कि मेमोरी को डिनोट करता है, स्किन को डिनोट करता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रखा था ग्रहण में था, तो मेमोरी लॉस की बात करें, याददाश्त कमजोर होने की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, एग्जाम में दोस्तों कंफ्यूजन की बात करें, उनको दोस्तों जैसे ही मर्क्यूरी यहाँ से मूव कर गया दोस्तों, कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम लोग ये वीडियो हम लोग शूट करें 26 तारीख को, 26 तारीख को है दोस्तों बुध के मूवमेंट, यानी कि जब आपके सामने वीडियो आएगी तो 3 दिन पहले दोस्तों, 3 दिन पहले दोस्तों मर्क्यूरी यहाँ पे मूव करके सेकंड हाउस में आ चुका है दोस्तों, तो मेमोरी की बात करें मेमोरी शार्प हो जाएगी, कम्युनिकेशन आपकी बहुत बेटर हो जाएगी, और क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी गुरु है तो आपकी जो जुबान है, आपका जो बोलने का लहजा है वो वकील की तरह हो जाएगा, टू द पॉइंट शार्प क्रिस्टल क्लियर, तो कोई कंफ्यूजन ही, नो कंफ्यूजन ओनली क्लैरिटी, तो ये दोस्तों अपने को बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप देखें मर्क्यूरी आपके चार्ट में फोर्थ और सेवंथ लॉर्ड है, फोर्थ हो गया मम्मी, तो मम्मी की इनकम, सेवंथ वाइफ, वाइफ की इनकम,
या दोस्तों प्रॉपर्टी, दोस्तों प्रॉपर्टी से आपकी वेल्थ बढ़ती है, यानी कि प्रॉपर्टी बिक सकती है आपकी या नई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। अगर आप रेंटल इनकम में अपनी प्रॉपर्टी में जाना चाह रहे हैं तो नई प्रॉपर्टी यहाँ पे बन जाती है। दोस्तों शादी की बात करें, यहाँ पे शादी के योग स्टार्ट हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा खबर। मतलब शुक्र का फर्स्ट हाउस में आना, क्योंकि आपके सेल्फ हाउस में आके शुक्र दोस्तों एग्जॉल्टेड होगा 5 सेक्स में। शुक्र का दोस्तों फर्स्ट हाउस में आना, इरिस्पेक्टिव ऑफ किस लॉर्डशिप को डिनोट करके चलते हैं, दोस्तों फर्स्ट में शुक्र का आना आपके लग्जरीज को, आपके प्लेजर को, आपकी शक्ल सूरत को, आपके दोस्तों कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को, उसको दोस्तों बढ़ा के चलता है। स्पेशली वो सभी गर्ल्स जो दोस्तों मीडिया में है, फैशन के अंदर है, जिनको जिनकी शक्ल दोस्तों दिखती है, एक्टर्स हैं मतलब थिएटर्स में है, ड्रामा में है, उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट। दोस्तों पेंटर्स जो लोग हैं, फोटोग्राफर जो लोग हैं, इस तरह की फील्ड में ज्वेलरी डिजाइनिंग के अंदर है, फैशन डिजाइनर है दोस्तों, यहाँ पे क्रिएटिविटी जी उनको दोस्तों बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों जिनका डायमंड का काम है, जिनके डायमंड का शोरूम है, डायमंड ज्वेलरी में जो लोग डील करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर। तो दोस्तों कुल मिला के पाइसंस के लिए ये वाला हफ्ता प्रॉमिसिंग हफ्ता। और दोस्तों पाइसंस का बात करें या जो हमने कल बात की थी कन्या की, इनको सब पैचेज में अच्छा होता है, इनको कभी इकट्ठा अच्छा हुआ ही नहीं, इनका हमेशा पैचेज में अच्छा होता है। हालांकि दोस्तों 23 तारीख को मंगल जब आपके सेल्फ हाउस में आ जाएगा तो कहने की आपकी लाइफ बिल्कुल पलट जाएगी तब। और 1 मई को जब गुरु भी चेंज हो जाएगा आपके दोस्तों, गुरु थर्ड हाउस में आ जाएगा आपका जो सेल्फ करण, तो दोस्तों जिंदगी और ज्यादा आपकी पलटेगी बेटरमेंट के लिए। बट ये वाला आपका दोस्तों शुरुआत कर देगा अच्छी चीजों के लिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। 6 लग्न हमने आज डिस्कस कर लिए, बाकी के वीकली हॉरोस्कोप के कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला हफ्ता, ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। तो आप चाहें तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो कौन सी है उसके बाद हमारी शायद शुक्र की वीडियो है लाइन अप है, शुक्र का गॉडेड, उसको डिटेल में सब समझाया हुआ मैंने, वो देखिएगा दोस्तों, फिर अप्रैल की तैयारी करते हैं इसके बाद। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।